चाहे वो आर्टिकल 25 के तहत सिविल कोड में आने की बात हो, चाहे वो स्वयं देशता का अधिकार की बात हो, चाहे वो आइडियल की बात हो, इमेज की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो जस्टिस रामास्वामी का है काशी विश्वनाथ एक्ट को अपहोल्ड करने की बात हो, चाहे सेक्शन 5 की बात हो जिसमें सारी प्रॉपर्टी देवता में बेस कर चुकी है, चाहे सेक्शन 4-9 की बात हो जहाँ पे पूरे परिसर को मंदिर परिसर घोषित किया जा चुका है, चाहे राम जानकी डेटीज के केस की बात हो, हर एक बात विस्तृत रूप से उनके सामने है। आपकी दो बहस बहुत चर्चा में है जिसको लेकर कल जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं पे भी नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, आज आपने कहा कि किसी आक्रांता द्वारा मंदिर नष्ट कर देने तो मंदिर खत्म नहीं हो जाता, ये दो मुद्दे बहुत चर्चा में, क्या आपने इस पर दो बात की? सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में पैरा 78 और 82 में ये कहा है कि इस्लाम के लिए मस्जिद होना एसेंशियल पार्ट नहीं है और कहीं भी नमाज पढ़ लेने से नमाज